अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी दिखाऊंगी मतलब कि मैं अपना जो हूँ नेल्स को किस तरह से शेपिंग करूंगी और उनको किस तरह से क्लीन करूंगी। बहुत इजी सिंपल स्टेप्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मेरा नेल्स को जिस तरह से हो रहे हैं। ये जो है ये वाला टूट गया था तो फिर सारी अजीब लग रही, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपना किस तरह से कर। मैंने सबसे पहले ले लिया नीम गर्म पानी, इतना है कि जो है मेरा हाथ इसको बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म है बस ये। इसमें मैं डालूंगी विनेगर, टू टी स्पून विनेगर, और यहाँ पे मैं टोमेटोज ऐड कर रही हूँ इसमें। वैसे तो अगर आपके पास लेमन हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैं इस तरह से इसका जूस निकाल के फिर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, और मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, और थोड़ा सा आपके पास जो भी शैम्पू हो तो वो ले लेना। मैं यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा शैम्पू हो या इस तरह से कंडीशनर भी हो तो वो भी अच्छा है। इसको थोड़ा सा मैं हिला लूँगी इस तरह से, और 15 मिनट्स के लिए मैं अपने हैंड को इसके अंदर डिप करूँगी और ताकि मेरे नेल्स क्लीन हो जाएं। ये देखें इसमें झाग बनना शुरू हो गए क्योंकि मैंने इसमें शैम्पू ऐड किया है। अब मैं अपने जो रिंग वगैरह मैं रिमूव कर लूँगी और इसके हाथ से अपने नकल्स वगैरह को नीट करूँगी, क्लिनजिंग करूँगी इससे। देखिए अभी से ही मुझे वहाँ से फ़र्क नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है टूथपेस्ट है, वाइट कलर का टूथपेस्ट होना चाहिए, और ये मैंने ब्रश ले लिया थी ब्रश, कोई भी आपके पास पुराना हो या कोई भी थोड़ा सा जो है आपने ये लेना है, और इससे जो है मैं अपने इस तरह से क्लीन करूँगी। मैंने इससे ब्रशिंग कर लिया अपने नेल्स की, अब मैं इसको वापस से डिप करूँगी अपने फिंगर्स को इसके अंदर इस पानी में 5 मिनट्स के लिए और डिप करूँगी। अब 5 मिनट्स हो गए, अब मैं जो हूँ अपने हैंड्स को और इस तरफ मतलब इस तरह से एक दफ़ा और क्लीनिंग कर लूँगी। ये देखें मेरे मेरे नेल्स कितने क्लीन लग रहे हैं अभी से, और सॉफ्ट भी लग रहे हैं, और मेरे नेल्स भी नीट हो गए वरना येलोइश हो रहे थे। अब मैं हैंड्स को अपने वॉश करूँगी सादे पानी से। अच्छा आपके पास कोई भी बॉल हो आप वो ले सकते हैं अपने घर में, अगर आपके पास टब हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये बॉल यूज़ किया है तो चले मैं अपने हैंड वॉश करके आ लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है सोडा, बेकिंग सोडा लिया है मैंने, और ये चीनी ली है, शुगर, और जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी आपने लेनी, और ये टमाटो इससे मैं दोनों को मिक्स करके स्क्रबिंग करूँगी अपने हैंड्स पे। इस तरह से स्क्रबिंग करनी है पूरे हैंड्स पे, सर्कुलर मोशन में करनी है दोनों हैंड पे। मैं इसी तरह से करूँगी एक ही तरीके से। अगर आपके पास लेमन हो तो वो और अच्छा है क्योंकि ये मेरे पास टोमेटो था अभी तो मैंने टोमेटो यूज़ कर लिया, वरना लेमन भी अच्छा है तो अगर आप टोमेटो की जगह यूज़ करें। टेन मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, 5 से 10 मिनट्स के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। अपने हाथों से भी मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से होगा। मैं इसको छोड़ देती हूँ 5-10 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो गए, अब मैं इसकी थोड़ी सी स्क्रबिंग कर लेती हूँ इस तरह से, अच्छे से स्क्रब कर लूँ। मुझे अपने हैंड्स बहुत सॉफ्ट और फील हो रहे हैं, सॉफ्ट और ग्लोई, बहुत ज़्यादा ग्लो फील हो रहे हैं। ये नकल्स भी मेरे काफ़ी हद तक मुझे फ़र्क लग रहा है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास फाइलर है और एक नेल कटर है, इससे मैं अपने नेल्स को शेपिंग करूँगी इससे। तो पहले तो मैं इन सबको इक्वल कर लेती हूँ क्योंकि ये जो बीच वाला टूटा है तो मैंने नेल्स को ट्रिम और शेविंग कर ली है इस तरह से। थोड़ा सा ये वाला तो नेल टूटा हुआ था ना, इस वजह से थोड़ा सा सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोबर शेव किया है बस आज के। लेकिन आपको कोई भी ऑयल चाहिए तो आप कोई भी ऑयल लेने, मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, बहुत अच्छा है। विटामिन ई कैप्सूल्स आप ले सकते हैं, बहुत बेस्ट है, और अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर लोशन है तो आप उसे मसाज कर सकते हैं अच्छी तरह से, मसाज करिए ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो। इस तरह से मैंने लगा दिया, इस तरह से मसाज करनी है अच्छे से, और अपने नेल्स पे क्यूटिकल्स पे
डन। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब सॉफ्ट लग रहे हैं और नीट लग रहे हैं मेरे हैंड्स। थोड़ा नकल्स में भी काफ़ी फ़र्क आया है। इसको हम लोग वीक में एक दफ़ा करेंगे, हर वीक एक दफ़ा करेंगे तो हमारे मतलब ये नकल्स वगैरह जो है लाइटर होते जाएंगे और हैंड्स भी सॉफ्ट और लाइट। इनको इस तरह से प्रेस भी करें ताकि आपके थोड़े हाथ तो सॉफ्ट बहुत प्यारे से लगे नाजुक से, तो इसलिए इसको एरिया को प्रेस किया इस तरह से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।